तो दोस्तों यदि आप भी इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 26,210 पदों की भर्ती का, तो यहां पर हाल ही में इस भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ा और तगड़ा अपडेट आ चुका है, जहां आपको जानने को मिलेगा कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, वहीं क्या अब ये भर्ती में थोड़ी सी देरी हो सकती है। क्या है ताजा अपडेट जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक उत्तर यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 26,210 पदों को भरने के लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से हाल ही में एक अहम नोटिस जारी किया गया है, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अभी अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी का यह ताजा अपडेट हम आपको दिखा पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 26,210 पदों को भरने के लिए कंपनियों का चयन किया जा रहा है, कौन सी कंपनी इस भर्ती को कंप्लीट कराएगी। और जैसा कि पहले ही हमने आपको यह अपडेट में बता दिया था कि जब तक यहां पर जो 27 जनवरी 2022 का अंतिम तारीख रखा गया है इन टेंडर को देने के लिए, यानी कि कंपनियों का चयन करने के लिए, तो यहां पर जब तक जो लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट से पहले पहले यहां पर 3 या फिर 4 कंपनियों के आवेदन प्राप्त नहीं हो पाते हैं टेंडर के लिए, तब तक यहां पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर आप देख सकते हैं, हुआ भी कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 पद तथा फायरमैन के 172 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार अभी अभ्यर्थियों को थोड़ा लंबा करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पहले उम्मीद यह की जा रही थी कि 27 जनवरी 2022 के बाद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा एजेंसी कंपनी की ओर से टेंडर भरने की अंतिम तारीख जो थी वो 27 जनवरी तय की गई थी। अब यहां पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी ताजा नोटिस के अनुसार टेंडर भरने की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 10 फरवरी 2022 तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों देखिए, जैसा कि यहां पर भर्ती बोर्ड की तरफ से जो टेंडर भरने की अंतिम तारीख 27 जनवरी को निर्धारित किया गया था, और यह उम्मीद की जा रही थी कि 27 जनवरी तक जो है वो लगभग 3 या फिर 4 कंपनियों के जो आवेदन है प्राप्त हो जाएंगे, जिनमें से उचित कंपनी का चयन करके, और इसके बाद जैसे ही यहां पर टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, भर्ती किसी न किसी को दे दी जाएगी, किसी कंपनी को सौंप दी जाएगी जो उस भर्ती को पूरा कंप्लीट कराएगी। लेकिन जो यहां पर 27 जनवरी डेट दिखाया गया था, हो सकता है कि 27 जनवरी तक यहां पर जो टेंडर की प्रक्रिया है पूरी नहीं हो पाई है, यानी कि 3 या फिर 4 कंपनियों के आवेदन प्राप्त नहीं हो पाए हैं, और जिस वजह से यहां पर जो टेंडर की अंतिम तारीख है टेंडर लेने की, वो यहां पर आगे बढ़ा दी गई है आवेदन के लिए, और अब इस टेंडर जो भरने की अंतिम तारीख है उसे 10 फरवरी 2022 तक के लिए कर दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों देखिए क्या है कि अब अगर यहां पर टेंडर भरने की अंतिम तारीख को 10 फरवरी 2022 तक के लिए कर दिया गया है, तो अभी 10 फरवरी तक तो कंपनियों का चयन किया जाएगा। हो सकता है कि अंतिम तारीख भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है इस समय तक जो कंपनियां हैं वो अपना आवेदन सौंप देंगी और यहां पर 3 या 4 कंपनियां भर्ती बोर्ड को प्राप्त हो जाएंगे, जिनमें से उचित कंपनी का चयन कर भर्ती उसे सौंप दी जाएगी। तो यहां पर उम्मीद यह की जा रही है कि 10 फरवरी के बाद, यानी कि 15 या फिर 20 फरवरी के बीच तक जो आपका ऑन नोटिफिकेशन होगा इस भर्ती का, वो रिलीज हो सकता है, और इसके बाद इस भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां पर अभी अभ्यर्थियों को थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जैसा कि यहां पर अपडेट हम आपको दिखा पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी पसंद आए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।